wiggle wiggle like. आज जो क्लास करने वाले हैं मल्टीमीडिया यानी कि कंप्यूटर के मल्टीमीडिया से प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में 5 से 6 नंबर प्रश्न यही से पूछे जाएंगे। एक बार रिवाइज करके जरूर जाएगा। साथ ही कल जो एग्जाम हुआ है शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उसका एनालिसिस करेंगे जो कि मल्टीमीडिया से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। उसी प्रकार आपके सीजी व्यापम लेवल इंस्पेक्टर के एग्जाम आपका 24 जून को, इसमें कंप्यूटर के 20 नंबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें मल्टीमीडिया से कम 3 से 4 नंबर ऐसे ही प्रश्न पैटर्न देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून जो कि क्लास 2:30 बजे की क्लास है। साथ ही आज हम क्लास करेंगे मल्टीमीडिया जो आपके 50 क्वेश्चन यानी कि 50 MCQ करने वाले हैं, बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। जो लोग व्यापम टारगेट करके रखे हैं, व्यापम में सिलेक्शन लेना है, तैयारी करना है, वो रिवाइज करके जाइएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज के रूप में टोटल 50 MCQ रहेगा जिससे मल्टीमीडिया से सबसे पहले मैं आपको तथ्य बताऊंगा जिसके बारे में यानी कि मल्टीमीडिया के जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर जरूर बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट को यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया जो आपके आने वाले एग्जाम छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें कंप्यूटर के 15 से 20 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मल्टीमीडिया के टॉप 10 जो MCQ था वो मैंने करा चुका हूँ। लेकिन आज जो क्लास रहने हैं कंप्यूटर का MCQ यानी 50 MCQ रहेगा टेस्ट के रूप में। तो टेस्ट कराने से पहले यानी MCQ कराने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा मल्टीमीडिया से जो आपको मदद रहेगा, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके मल्टीमीडिया से एक भी एग्जाम में छूट नहीं पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के मल्टीमीडिया से प्रश्न पूछे जाने से पहले आपको मैं इसका तथ्य के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके व्यापम और PSC एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपका कल आपका एग्ज़ाम हुआ है टीचर वैकेंसी का यानी कि वर्ग 2 और 3 का जो वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कल शिक्षक विभाग में आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, तो मल्टीमीडिया से 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो पहले हम शिक्षा भर्ती के पहले उस कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बिल्कुल टेस्ट सीरीज के रूप में, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन से यहाँ से प्रश्न पूछा गया था क्योंकि देखिए इसमें से क्या अलग है, विषमता का पहचान कीजिए। तो देखिए इमेज के बारे में आप सभी को कहना चाहूँगा, JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG, RAW और ATC, ये जितने भी है आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको एक बार अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर में हर एक बार यहीं से प्रश्न पूछा जाता है विषमता की पहचान कीजिए या फिर इमेज से क्या संदर्भित है या फिर वीडियो में कौन सा फाइल एक्सटेंशन है या फिर ऑडियो से, यानी कि जो तीनों टॉपिक है ये जो तीनों टॉपिक है यहाँ से आपके एक न एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछे ही जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मल्टीमीडिया टाइप्स के फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में अभी 10 जून को एग्ज़ाम हुआ है यानी कि कल ही आपको एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 10 जून को शिक्षक विभाग में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था जिसमें ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला और ये टिप वाला, ये 4 टॉपिक पूछा गया था और इसको सेलेक्ट किया था MPG में और पूछा गया था कि इसमें विषमता की पहचान कीजिएगा, ठीक है। मतलब अलग कौन है, तो आप सभी को मालूम होगा कि इनमें से अलग JPEG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, उसी प्रकार GIF का मतलब ग्राफिकल इंटरफेस फर्क होता है, उसी प्रकार टैगेट इंटरफेस होता है, PNG का मतलब होता है, उसी प्रकार वीडियो में आपका यहाँ पर आ जाए MPG यानी कि MPG किस तरह का फाइल है, तो ये वीडियो फाइल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विषमता की पहचान कीजिएगा, ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार रट लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इमेज में आपका इस तरह का आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
वीडियो में MP4 है, AVI है, MPEG है, MPPG है, MKV, QT, ये सब ETC है ना, मतलब बहुत सारे इत्यादि हैं। उसे अगर ऑडियो में आपका MP3 हो जाएगा, MIDI हो जाएगा, BFW, WA, WMA, ETC है ना, यानी कि ये जितने भी हैं सभी को इसको अच्छे से रट लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा, पिक्चर एंड ग्राफिक्स के बारे में, जो कि आपकी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट यानी GIF का फुल फॉर्म होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो आपके 8-bit कलर इमेज का प्रयोग किया जाता है। ये आपके 1 से 2 नंबर में ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका हो जाएगा GPG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। MP4 ए वीडियो होता है और MP3 क्या होता है, ऑडियो होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑडियो और वीडियो मिलाकर आपका क्या बनता है, मल्टीमीडिया बनता है ना। तो आपके शिक्षाकर्मी विभाग में यानी कि शिक्षक में ये वर्ग 2 और 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीमीडिया किससे संदर्भित है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि देखिए ऑडियो और वीडियो जो है क्या है, आपका मल्टीमीडिया है। तो यहाँ से भी एग्जाम में आया था इसका आंसर मल्टीमीडिया होगा, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गया मल्टीमीडिया से, ठीक है। तो मैं इसीलिए आज का जो क्लास करा रहा हूँ दोपहर 3 बजे का, जिसमें आपका मल्टीमीडिया से एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे आप CGPSC की एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर व्यापम में लेबर इंस्पेक्टर या हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें, है ना। मैं इसीलिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसको अंतिम तक यानी कि लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देख के जाना, और यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको बिल्कुल टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ अब भी, है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आज की परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया से। ये वाला भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, एक बार इसको याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ऑडियो फाइल फॉर्मेट आपका REF का मतलब होता है रिसोर्स एंटी चेंज फाइल फॉर्मेट, उसी पर PGE का मतलब होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, उसी पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, है ना, या फिर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। और वीडियो फाइल फॉर्मेट आपको बताया था MJPEG, है नी, MJPEG और G, इसको याद रखना, ठीक है, मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है। यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है आपका वीडियो रिसोलिजेशन, ये आपका पटवारी के एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था, और 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका पटवारी में, वहाँ से एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये वाला टॉपिक लिया गया था। यहाँ से इसका आंसर 64 यानी कि 640 से 480 मेगापिक्सल यानी कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो आपका आंसर जैसे कि 4:3 का मतलब होता है, जैसे कि देखिए ये आपका यूट्यूब के लिए होगा, 16:16:9 ये आपका यूट्यूब के लिए होगा, ठीक है। और ये यूट्यूब के लिए आता है लेकिन थोड़ा हाइडेड क्वालिटी का रहता है। तो हम लोग जैसे कि अभी हम क्लास कर रहे हैं, जो आपका चल रहा है वीडियो, ये आपका 16:9 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और ये जो 4:3 है आपका शॉर्ट्स में आता है, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह में आता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पूछा गया था वीडियो में, अभी जो हम चल रहे हैं, अभी जो क्लास चल रही है आपका, ये मेगा पिक्सल में चल रहा है, जो कि 16:9 के हिसाब से। अगर मैं इसको छोटा सा कर देता तो आपको डाउट जाता या फिर यहाँ पर HD क्लियर नहीं आता आपको, ठीक है। तो मेगा पिक्सल अभी कितना चल रहा है हमारा, मेरा जो मेगा पिक्सल आपका चल रहा है 720 से लेकर 1280 HD क्वालिटी में अभी क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप लोग अब देख सकते हैं, जैसे इस प्रकार रहता ना आपका 240 और 140 या फिर 360 फिर 480 720 1080, इस प्रकार का क्वालिटी रहता है। तो मेरा क्वालिटी अभी जो चल रहा है क्लास 720 से 1280 मेगापिक्सल के आसपास, ठीक है। तो यही आपका है वीडियो, तो ये आपका पटवारी एग्जाम 2019-20 में आया हुआ था, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही तरीके से टेस्ट वाइज में, फिर हमारे साथ तैयार हो जाइएगा। सरकारी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि व्यापम और PSC में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर का मल्टीमीडिया का क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 50 MCQ, ठीक है, कितना 50 MCQ के आसपास क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके व्यापम PSC जितने भी विभाग हैं आपके छत्तीसगढ़ में, विभाग में व्यापम PSC से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर रेलवे वगैरह या फिर है ना विद्युत विभाग वगैरह में, तो वही क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में कंप्यूटर के रिपीट होता है। तो CSPC SCL यानी कि ये भी 2019 में एग्ज़ाम में हुआ था, ये विद्युत विभाग से संबंधित है।
तो निम्नलिखित में कौन सा वीडियो संचार का एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा MP3, है ना। MP3 क्या है, एक ऑडियो है, जबकि MP4 क्या है, एक वीडियो है ना। तो पूछा गया अगर ये नहीं आएगा ना, ये सब नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ MP3 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा क्या होगा। तो ग्राफिकल सिस्टम में पिक्चर में पिक्सल है ना, जो पिक्सल होता है उसके सारणी में स्टोर किया जाता है, उसको फ्रेम बफर कहा जाता है, आंसर बी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो रहा है। मैं अपने हिसाब से बी लिया हूँ, आप लोग क्या लिए हो आप लोग जानो ना। चलिए लेक्चर भर्ती 2019 में आया था, यहीं पर अब बच्चे फंसते हैं। देखिए MPEG क्या है, एक कंप्रेस करने के लिए उपयोग में किया जाता है। MPEG क्या है, एक फाइल है, फाइल फॉर्मेट है ना। तो क्या है, फ्रेम, इमेज, ऑडियो या वीडियो, आप सभी कमेंट करके बताइए। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन ना होइएगा, ठीक है। MPEG किस तरह का फाइल, अभी मैं आपको बताया है ना। तो ये फाइल एक्सटेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, फाइल एक्सटेंशन से। इमेज का मतलब होता है GPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, उसी पे अगर PNG, GIF, ये सभी क्या है, TIIAF, ये क्या है, सभी इमेज हैं, ये सभी क्या हैं, सब इमेज हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट, जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसका कमेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको आंसर पता है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, वीडियो, ठीक है, आंसर आ जाएगा वीडियो। वीडियो का है, MP4 है, MP4 वीडियो है, MPEG फाइल एक्सटेंशन है ना। चलिए ये आपका शिक्षक भर्ती वर्ग 2019 में, विद्युत विभाग 2019 में, CG व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में एग्जाम में पूछा गया था, और अब भी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया है ना। ये पूछा गया था वीडियो वाला, ये मल्टीमीडिया से, ये वीडियो हो गया और ये ऑडियो हो गया है। एक मिनट ना, वीडियो और ऑडियो, ये आपका ऑडियो और ये आपका वीडियो, दोनों मिलकर क्या बनता है, मल्टीमीडिया बनता है, क्या बनता है, मल्टीमीडिया। यही आपका 2023 का एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती, कल जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जून को है ना, आज आपका कितना है 11 जून, जो कि क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यही क्लास एग्ज़ाम में पूछा गया था मल्टीमीडिया से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से जाइए, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक स्टूडेंट को यह वीडियो का लाभ मिल सके, है ना। और जो अगर वीडियो में एक बार में आपको क्लियर नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके रख लीजिएगा एग्ज़ाम दिलाने से पहले, एक बार देख के जाइएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है पूछा गया। देखिए ये अभी एग्ज़ाम में पूछा गया, ये भी 2023 में पूछा गया है, आपका 10 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है ना, आपका शिक्षक भर्ती में, वही टीचर वैकेंसी में व्याख्याता वर्ग 2 और 3 के लिए वही एग्ज़ाम पूछा गया है, तो इसका IMG होगा, ठीक है। क्या ये सभी क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, PNG, GPG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक इमेज, ये सभी टैग इफ फॉर्मेट, ये सभी है, लेकिन फॉर्मेट नहीं है पूछा गया ना, तो IMG होगा, क्योंकि IMG का मतलब इसको पूरा दिया नहीं है, IMAG होता है इसका फुल, है ना। तो यही एग्ज़ाम में दिया रहता था सही होता, लेकिन फाइल फॉर्मेट नहीं है पूछा गया, तो ये नहीं होगा। पटवारी 2019 में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, पटवारी 2019 में भी पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनिमेशन जो निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, लूपिंग, मार्फिंग, रेडरिंग या डिजिटाइजेशन, तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। व्यापम खादी 2019 में पूछा गया है, उसी प्रकार ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सभी व्यापम या फिर PSC या फिर विद्युत विभाग, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कोरल ड्रा, जो कोरल ड्रा का उपयोग करके बनाई गई छवियों के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है आपका CDR होता है, CDR, CDR का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीडरमोमले, ठीक है। 2019 में पूछा गया, देखिए यहाँ पर CSPCL यानी कि विद्युत विभाग में,
जो कि अभी एग्ज़ाम और हुआ था 2020-21 के आसपास, उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा गया है तो आप सभी को मालूम होगा, GPEG गृह तस्वीर का आकार क्या होता है, ये भी 2019 में पूछा गया। GPEG का मतलब फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 7x7 पिक्सल, 5x5 पिक्सल, 4x4 पिक्सल या 8x8 पिक्सल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, 30 सेकंड आपको समय दिया गया है। बिल्कुल जो लोग तैयारी कर रहे हैं जी एग्ज़ाम में एकदम मतलब क्लियर होना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग अपना परफॉर्मेंस अब दिखाइएगा। चलिए देखते हैं फिर आप लोगों का परफॉर्मेंस कि आप लोग कितने लोग आंसर देते हैं, है ना। चलिए अब आप लोगों के परफॉर्मेंस की बारी है, सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा जिनको मालूम है। नहीं मालूम है फिर भी आप लोग आंसर में कमेंट दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके ऐसे एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक स्टूडेंट को यह वीडियो का लाभ मिल सकेगा, है ना। अपने दोस्तों को जितने भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं यह वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और सबसे पहली बात है कि यह क्लास बिल्कुल फ्री है, रिकॉर्डेड क्लास ना, आपको बिल्कुल फ्री क्लास दिया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपको मेरा मेहनत दिखाई दे रहा है, वीडियो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे कि आपके बार कोड दिखाई दे रहा होगा, तो अगर अपने इच्छा अनुसार आपको जो अपने हिसाब से जो स्वेच्छता राशि बोलते हैं उसको, है ना, तो अपने इच्छा अनुसार अगर आप लोग देना चाहते हैं तो ये बार कोड के माध्यम से आप दे सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 93-99-27-87-82, है ना, इस प्रकार आप यहाँ पर मेरा नंबर दिया होगा उस पर गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर इच्छा हो तो, इच्छा अनुसार, है ना। जो भी आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इतना रुपये चाहिए, कि अगर अपने मन से, है ना, मतलब अपने स्वेच्छता राशि से जो भी 50, 100, 150 जो भी बनता है अपने हिसाब से स्वेच्छता राशि आप दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देना है तो मुझे कोई दिक्कत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए करके, अगर आप लोग मेरा मेहनत दिखाई देता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप जो भी राशि देना चाहते हैं बिल्कुल स्वेच्छता राशि, है ना, स्वेच्छता से निःशुल्क है क्लास, लेकिन अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हैं आप बार कोड के माध्यम से या फिर यहाँ पर जो नंबर दिया है उसके माध्यम से गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, यहाँ पर जो क्वेश्चन रुका हुआ था कि निम्न में से कौन सा यह प्रारूप नहीं जिसमें छवि इमेज संग्रहित किया जाता है, तो आपका एक्सेल होगा। आप देखेंगे कि एक वैधत एक्सटेंशन का होता है जो एक इमेज में एक्सटेंशन हो जाएगा, GPEG ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, है ना, ये भी आपको 19 में पूछा गया है। ग्राफिक्स की एक श्रृंखला जो गति का भ्रम पैदा करती है एनिमेशन, आपका 2019 में पूछा गया है CSPCL में, यानी कि विद्युत विभाग में कई बार एग्जाम में देखिए कितना बार पूछा गया है। निर्देशांक और ज्यामिति, देखिए मतलब मल्टीमीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर किस प्रकार की छवियां बनाई जाती है, तो रोस्टर ग्राफिक्स में, ठीक है, ये भी आपको 19 में, मतलब देखिए मल्टीमीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आपका विद्युत विभाग में पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा विद्युत विभाग में मल्टीमीडिया से पूछा जाता है और शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, है ना। तो मेरे हिसाब से जो मल्टीमीडिया की क्लास चल रही है उसमें आपका व्यापम में जैसे लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, यानी कि श्रम निरीक्षक भर्ती का, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बीट मैप इमेज फाइल के फाइल एक्सटेंशन होता है BMP, ठीक। अब PNG क्या है, तो PNG एक इमेज फाइल है, एग्ज़ाम में पूछा गया, अभी मैं आपको बताया था ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था स्टार्टिंग में जो क्लास चल रही है ना, स्टार्टिंग में ना जाके एक बार देख सकते हैं उसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद कर ले उसको जाके, वहाँ से एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाएगा। तो देखिए PNG क्या है, कई बार आप सर PNG होता क्या है, तब जाइएगा ना, मैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, या फिर स्टार्टिंग में जो आपको बताया हूँ वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। और कितने बार बताऊँ आपको, इमेज फाइल, हाँ, मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो आपका स्टोरेज और डाटा होता है, मतलब ऑडियो और वीडियो होता है, आपको मल्टीमीडिया से ही विशेषताएं बताती है।
ये आपका व्यापम, देखिए लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और ये भी 2019 में पूछा गया था, 15 में हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जिसमें भी पूछा गया था। ऑडियो कंप्रेशन का होता है स्पीच और म्यूजिक के लिए, ऑडियो जो हम सुनते हैं ना तो किसके लिए सुनते हैं, आवाज़ के लिए तो सुनते हैं क्या, और म्यूजिक मन के लिए सुनते हैं है। दिल्ली पुलिस पूछा गया था एक वीडियो का फ्रेम किससे बनाता है, आप सभी को मालूम होगा ये फ्रेम होता है आपका जो क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है वीडियो का, फ्रेम से ही तो बनता है, किससे बनेगा है। सभी व्यापम और पीएससी में पूछा गया है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। ऑडियो और वीडियो आपको याद रखेंगे, ऑडियो और वीडियो कभी भी पूछा जाए तो पिक्सेल से ही बनता है। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन हमसे छोटे ग्रिड में विभाजित होता है, उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहा जाता है, पिक्सल याद रखना। मल्टीमीडिया का एक दोष क्या होता है, कॉस्ट। इमेज का छोटा रूप क्या कहलाता है, इमेज का छोटा रूप जल्दी से बताइएगा क्या कहलाता है, क्लिप पार्ट, बीट मैट, पोर्टेबल, थंबनेल या क्या कहलाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा है ना। अमीन पटवारी व्यापम सब में पूछा गया है। ये देखिए अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो का संकल्प होता है, तो अभी मेरा क्लास कितना जा रहा था 1280 से मेगापिक्सल से 780 मेगापिक्सल के आसपास, तो यहाँ पर दिया गया है कि असामान्य वीडियो रिजोल्यूशन जो कि ये सबसे कम वाला होता है 800 से 680 के आसपास, ये आपको याद रखना एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, मेरा भी क्लास चल रहा है ये वाला में 1024 से 720 या 768 के मेगापिक्सल में। अगर आप लोग HD में देख रहे हैं ना, ये आपको हाई क्वालिटी के हिसाब से ये आ जाएगा 640 से 480, ये तो आपका नॉर्मल हो गया MP4 वीडियो की तरह है ना, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं 360 240 है ना, इस तरह के 144 के आसपास MB के, मतलब जो जितना अगर कम देखो उतना आपको क्वालिटी कम दिखाई देगा। तो मेरा क्वालिटी कितना चल रहा है अभी 720 से 1024 के मेगापिक्सल में। एक वीडियो के तारतम्य में देखिए कई बार एग्जाम होता है फ्रेम, कई बार एग्जाम में है ना, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। ज्वाइंट फोटोग्राफिक सेट ये तो इमेज ही है, इसको ऐसे देख के लगा देगा इमेज। सभी व्यापार में पूछा गया मॉर्फिंग, मतलब दो या दो से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की जो तकनीक होती है मॉर्फिंग कहलाती है ना। MPG किस प्रकार फाइल है, चलिए बताइएगा, MPG ऐप को वीडियो है, MPG हो गया, MP4 हो गया, सब वीडियो है ना। और इमेज क्या है, इमेज आपको पता है ना, PNG क्या है, एक इमेज है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सट एक इमेज है, TIFF क्या है, एक इमेज है, ऑडियो का है, सॉन्ग है, MP3 है ना। निम्न कौन सा एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है, तो भाषा सीखने के लिए सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिए टेक्स्ट ऑडियो वीडियो युक्त ये सब प्रेजेंटेशन क्या है, मल्टीमीडिया है, कैसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं मल्टीमीडिया से है, टेक्स्ट लिखते हैं ऑडियो वीडियो जो अभी चल रहा है हमारा क्लास, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, कोरल ग्राफिक्स को फाइल, ये सब क्या है मल्टीमीडिया है, इसको छोड़ दो। देखिए ऑडियो फॉर्मेट किससे बना था, सन का डेवलपमेंट ना। अब इनमें से मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है, तो वीडियो का ही डिमांड करेगा जो अभी चल रहा है ना। चले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कमेंट करके बताइएगा है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मल्टीमीडिया से इतना ही सारा क्वेश्चन था जो आपको मैं करा दिया हूँ। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं इंटरनेट वगैरह से वायरस वगैरह से क्वेश्चन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाइएगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर में प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के।